सोमवार को बसंतपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तीसरे चरण का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काटकर किया, जिसमें सीएमओ ने छोटे बच्चों को दवा पिलाई। इसके बाद रुखसाना खातून ने गर्भवती महिला का गोद भराई भी किया। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की तरफ से पोषण संबंधित स्टॉल भी लगाया गया था, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, जो 2 मई से लेकर 12 मई तक यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण से वंचित रह गए या गर्भवती महिलाएं टीकाकरण से वंचित रह गई थी, उनको संतृप्त करना है। इस मिशन में लगभग 4230 टीम गठित की गई है और 24,000 बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। 7,300 गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। वहीं बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पल्लवी श्रीवास्तव ने बताया कि सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण पूरी उत्सव के साथ मनाया गया है और एक गर्भवती महिला का गोद भराई किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि पूरी सुविधा जनता को दें और इसी तरह से उत्सव के साथ हर अभियान का स्वागत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बसंतपुर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज पल्लवी श्रीवास्तव एवं सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, धन्यवाद। हमारे यहाँ सजावट देवी, देवी उठो, आंखें खोलो, देवी जग जाओ, जगत तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा है? असुरों की बड़ी भीड़ भाई, देवी आओ, क्या है? चल भाई, ये आंख खोल। थोड़ा सा पीछे हो गई, नाराज ना हो, नाराज ना हो, ऐसे ले लीजिए निशा जी, ऐसा भैया।
भाभी बुला के देखो ओवर देखा कैसे पढ़ाती हैं मैं डॉक्टर पल्लवी श्रीवास्तव बसंतपुर के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ। आज मिशन इंद्रधनुष 4 का तीसरा चरण था और आज हमने इसका पूरी तरह एक उत्सव की तरह से मनाया है, जिसमें हमने पहले हमारे मुख्य अतिथि सीमो सर को से रिबन कटवाया, जिसमें उन्होंने एक छोटे से बच्चे के हाथ से रिबन कटवाए। वो वाकई बहुत काबिले तारीफ था कि जिसके लिए ये प्रोग्राम है उसको सर्वप्रिय हमने इम्पोर्टेंस दिया। उसके बाद से सर ने हमारे छोटे बच्चों को, जिसमें हमने अपने ड्यू लिस्ट में मेंटेन किया हुआ था जो भी हमारे एरिया के बच्चे हैं, छूटे हुए बच्चों, उनको सर ने पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। उसके बाद से हमारा अगला जो प्रोग्राम रखा हमने हमारी आंगनवाड़ियों के तरफ से था, जिसमें हमने एक छोटे से बच्चे का अन्नप्राशन कराया, जो कि वाकई हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि जितने भी हमारे अभियान चल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग ई कवच पे सैम और मैम के बच्चों का एंट्री कर रहे हैं, हमने उन बच्चों को भी इस आयोजन के दिन बुलवाया। उसके साथ साथ एक गर्भवती महिला का हमने गोद भराई किया। तो वाकई ये एक ऐसा उत्सव की तरह से हमने मनाया है जो कि सीरियसली हमें बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश यही करेंगे कि अपनी तरफ से हम पूरी सुविधा जनता को दें और इसी तरह से हम उत्सव मना के हर अभियान का स्वागत करें। 4 के तीसरे चरण का आज शुभारंभ किया गया है, ये आज से लेकर के 12 तारीख तक किया जाएगा। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि जो कोविड महामारी के दौरान जो हमारे बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे या जो हमारी गर्भवती माताएं अपने टीकाकरण से वंचित रह गई थी, उनको संतृप्त करना। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो लगभग 4,230 हमारी इसमें टीमें बनी हुई हैं और इसमें करीब 24,000 बच्चों को टीकाकरण करना है और लगभग 7,300 गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराया जाना है। इसमें हमारे यहाँ हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं वो गांव-गांव घर-घर जा कर के जो लाइन लिस्टिंग पहले से की जा चुकी है उन बच्चों को खोजेंगी और उनका टीकाकरण करेंगी।